For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नबील है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी है कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी। मैं इस वक्त अलराजी हेल्थ केयर हॉस्पिटल लाहौर और स्किन ओएसिस फेज 5 डिफेंस में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मैंने MCPS डर्मेटोलॉजी किया, इसके अलावा मेरी फेलोशिप है रॉयल कॉलेज ऑफ कैनेडा से और अमेरिकन बोर्ड मैंने कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में किया है, जिसे हम एस्थेटिक मेडिसिन भी कहते हैं। इसके अलावा मैं एज ए कंसल्टेंट इंग्लैंड में भी काम करता रहा हूँ और वहाँ से मैंने ऑन जॉब ट्रेनिंग पहले शुरू में की थी कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में। मेरा जो ज़्यादा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है एक्नी, पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स, इसके अलावा लेज़र सर्जरी और जो लोगों को मोतियाचूरियाँ या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज और फेस लिफ्ट जिसे हम कहते हैं, जो मिनिमली इन्वेसिव फेस लिफ्ट होता है, उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है और ये सब ट्रेनिंग मैंने बाहर से ली है। जो आजकल एक प्रॉब्लम है हेयर लॉस का, जो बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं और बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो उन यंग बच्चों की होती है जो कि इवन अर्ली 20s में होते हैं और वो अपना हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो अर्ली हेयर लॉस के कॉजेज, उनमें सबसे पहले तो जेनेटिक कॉजेज हैं कि अगर आपके वालदैन या आपके रिश्तेदारों में, इवन ननिहाल दयाल में किसी में भी अगर हेयर लॉस है तो वो आपकी किसी भी एज पे आप अपीयर हो सकता है। इसी वजह से जो अर्ली 20s में भी हमारे पास जो बच्चे आते हैं हेयर लॉस के साथ कि जी हमारे बाल बहुत जल्दी गिरना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा आपकी डाइट, वेदर, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट करती हैं जो हेयर लॉस के कॉजेज में। बहुत से बच्चे जो हमारे पास आजकल प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की वजह से आ रहे हैं, यानी आपके बालों का जल्दी ग्रे या सफ़ेद हो जाना है, उसमें जो सबसे बड़ा कॉज है वो है कैटलेज डेफिशिएंसी, जो कि हमारी क्योंकि फूड इनटेक अच्छी नहीं होती और हम लोग जंक फूड ज़्यादा खा रहे होते हैं और हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा है जिसकी वजह से कैटलेज डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों में, ये अगर आप देखें तो अर्ली 20s में या 30s में बहुत से बच्चों को ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा होता है, यानी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे होते हैं। अभी आजकल जो है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका इवन टीनेज में भी बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है। ग्रे हेयर्स को ट्रीट करने के लिए आजकल कुछ विटामिन्स ऐसे आते हैं जो स्पेशली हम बालों को देख के प्रिस्क्राइब करते हैं, उसकी वजह से आपके बालों में अगर तो मेलानिन थोड़ा सा कहीं पे मौजूद है तो उसकी वजह से दोबारा से 3-4 महीनों के इस्तेमाल के बाद बाल काले होने शुरू हो जाते हैं, या ये हो सकता है कि जब कैटलेज एंजाइम आप लेना शुरू करते हैं विटामिन की सूरत में तो वो बहुत आपकी जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है, यानी बालों का सफ़ेद होना काफ़ी हद तक रुक जाता है। डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसकी एक वजह ये है कि जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है हमारा, बहुत ज़्यादा रेस्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, रात को लेट नाइट तक जागना, इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं और बहुत ही ज़्यादा पानी का कम पीना है। बहुत ज़्यादा हवातीन में ये देखा जाता है कि अक्सर फेस वैक्स कराने के बाद उनको रिएक्शन आता है या वो जगह बर्न हो जाती है, जिसकी वजह है कि जो उसके अंदर केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बेहतर है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट जिसे हम कहते हैं उससे प्रॉपर लेज़र ट्रीटमेंट कराएं और लेज़र में पहले आप डॉक्टर के पास देख लें कि उसके पास प्रॉपर लेज़र मौजूद है या नहीं, और इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट में मैं हमेशा लेज़र ही रिकमेंड करता हूँ। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो सूरज से निकलती हैं उसकी वजह से अक्सर हम सन टैनिंग अपनी स्किन पर देख रहे होते हैं, अक्सर स्किन टैन हो जाती है।
तो उसके लिए बेहतर है कि प्रॉपर अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद अपनी स्किन के मुताबिक एक सनस्क्रीन लिया जाए, या जिसे हम सनब्लॉक भी कहते हैं, वो प्रॉपरली अप्लाई किया जाए और उसको हर 2 से 3 घंटे बाद सुबह से लेकर शाम तक जब तक सूरज ग्रूब नहीं होता उसको प्रॉपरली हम अप्लाई करें ताकि हम स्किन टैनिंग या उसके साइड इफेक्ट से बच सकें। तो आंखों के इर्द गिर्द जो रिंकल बन जाते हैं उसमें बेसिकली ये होता है कि आपके एक तो मसल की एक्सेसिव जो यूज़ है आपके फेशियल मसल का, और उसके अलावा आपका लैक ऑफ स्लीप भी है, या कुछ लोगों में प्री मेच्योर एजिंग भी आ रही होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए बहुत से सीरम्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट्स हैं, इसके अलावा बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं जो मौजूद हैं, या हम लेज़र के ज़रिए भी इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में आपने अक्सर देखा होगा कि बालों में खुश्की आना शुरू हो जाती है। इसकी एक वजह ये होती है कि ड्राई वेदर और हमारा प्रॉपरली जो हम उसकी क्लींजिंग नहीं कर रहे होते स्कैल्प की। इसके अलावा जेनेटिक्स भी होती है, अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ है तो वो आप में भी आ सकती है, या जो एटोपिक फैमिलीज होती हैं। एटोपिक फैमिली से मुराद ये है कि जिनकी फैमिली में डस्ट एलर्जी हो, पोलन से एलर्जी होती हो, या एस्थमा का प्रॉब्लम हो, उन लोगों में या उनके बच्चों में भी ये चीज़ें जिसे हम डैंड्रफ या ड्राइंग ऑफ स्कैल्प कहते हैं या सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, ये आ सकता है। अगर आप हमसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट हमारी बुक करना चाहते हैं, अपनी स्किन को दिखाना चाहते हैं, किसी कोई भी मशवरा स्किन के मुतालिक लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी वक्त marham.pk पे हमारा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और यहाँ पे तशरीफ़ ला सकते हैं।